फोन बाय करने का सबसे बेस्ट टाइम आ चुका है क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेज़न में धमाकेदार सेल स्टार्ट हो गई है। यदि आपका बजट है 15,000 रुपए 5G वाला फोन सर्च कर रहे हैं, बहुत ही सही वीडियो में आए हैं, कुछ पैसे भी आपके बच सकते हैं, बस यार कार्ड का जुगाड़ आपको स्वयं करना पड़ेगा। सारे के सारे फोन 15,000 रुपए के अंदर है, कोई भी ऐसा फोन नहीं है जो HD प्लस वाली डिस्प्ले के साथ आ रहा हो। इसी बात पे एक लाइक बनता है, चैनल में पहली बार बता रहे भाई सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। हर एक फोन में अच्छा और बुरा दोनों होता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पांचवे नंबर में है Vivo का T3X। वैसे अपने आप को ना Vivo ने 2024 में बहुत ज्यादा चेंज किया, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे तो बैटरी हो या तो परफॉर्मेंस, क्योंकि इस फोन में 12,000-12,500 रुपए में जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है ना, वो काफी लल्लन टॉप है। स्नैपड्रैगन का 6th Gen 1 सेम प्रोसेसर महंगे वाले रियलमी के P1 प्रो में भी मिल चुका है। फोन में कोई भी टोटल इशू नहीं है, बेंचमार्क स्कोर आपके सामने है। यदि आपका बजट है कम, तगली वाली परफॉर्मेंस चाहते हैं, स्नैपड्रैगन में ट्रस्ट है, तब तो भैया इस फोन में आपको तनिक सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आगे की तरफ फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का पंच होल वाला डिस्प्ले है, आउटडोर की ब्राइटनेस भी आपको निराश नहीं करने वाली है। बैक वाला जो डिजाइन है ये भी काफी ज्यादा सुंदर है, अब तो कैमरा गोल गोल वाला यहाँ पर दे दिया गया है। 50 मेगापिक्सल वाले से जो आप फोटो लेंगे ये भी आपको निराश नहीं करने वाली है, लेकिन कोई भी अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर नहीं मिलता है। यदि आप बड़े वाले वेरिएंट में जाएंगे तब तो यार आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी विकल्प मिल जाता है। बैटरी है 6000 mAh की जो बिंदास 1.5 दिन चल जाएगी। बॉक्स के अंदर जो चार्जर है वह 44 वॉट का, हो सकता है तनिक सर आपको चार्जिंग में समय लगे, लेकिन UI भी बहुत ही कमाल का है, बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ फोन लॉन्च हुआ है। अगले 2 एंड्रॉइड के वर्जन आपको और मिल जाएंगे, 3 साल का सिक्योरिटी पैच, कैमरा, डिस्प्ले, डिजाइन, परफॉर्मेंस, हर एक चीज में ये फोन आपको निराश नहीं करेगा। यदि आपका बजट है कम, मेरे हिसाब से आप Vivo के T3X की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर क्या प्रोज है, क्या कॉल्स है, अब आपके सामने क्या कहते हैं 2024 में Vivo ने क्या अपने आप को बदला है या अभी भी ये ब्रांड और भी ज्यादा बदलना चाहिए। 4th नंबर में है Poco का X6 Neo, ये फोन भी यार नया वाला है। देखिए बिना बैक कवर के किसी भी फोन को यूज मत करिएगा, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम फोनों में प्लास्टिक वाली बिल्ड क्वालिटी चिपकाई जाती है। बॉक्सी वाले डिजाइन के साथ ये फोन भी लॉन्च हुआ है, हाथ की उंगलियां भी यहां पर आपको नहीं छपते हुए दिखेगी। फोन बहुत भारी भी नहीं है, देखने में बैक में आपको सुंदर लगेगा। 120Hz का AMOLED डिस्प्ले भी इस फोन की जान है, और आज की डेट में Xiaomi और Poco वाले डिजाइन के साथ साथ डिस्प्ले में भी ध्यान दे रहे हैं, बेजल्स भी ना के बराबर है। डिस्प्ले बहुत ही कंटाप है, बहुत ही लल्लन टॉप है, 108 मेगापिक्सल वाले से जो आप फोटो निकालेंगे ये भी यार आपको अच्छी लगेगी, लेकिन कोई भी OIS नहीं है और ना ही अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर इस फोन में चिपकाया गया है। परफॉर्मेंस के लिए जो प्रोसेसर है वो नया वाला नहीं है, MediaTek का Dimensity 6080, बेंचमार्क स्कोर आपके सामने है। फोन में कोई भी मेजर टोटल इशू नहीं है, लेकिन नॉर्मल वाले टास्क आप अच्छे से कर सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी के साथ आ रहा है, 33 वॉट का जो चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। UI में थोड़ी सी इधर उधर वाली एप्लीकेशन आपको पक्का देखने को मिलेगी, जो चीजें आपके मतलब की नहीं है फटाफट डिलीट करिए। सिंगल स्पीकर के साथ फोन लॉन्च हुआ है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस भी आपको प्रदान किया गया है। यदि आपको एमोलेड वाला डिस्प्ले लेना है, नया फोन होना चाहिए, पोको से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके पास है Poco का X6 Neo। इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स अब आपके सामने। 3rd नंबर में जो फोन है ये बिल्कुल नया वाला है, Moto का G64 5G, अभी यार हाल फिलहाल इंडिया में लॉन्च हुआ है, 15,000 रुपए के अंदर ये फोन भी आपको मिल जाएगा। वैसे Moto की सबसे कमाल की जो बात है ना वो है डिजाइन, भाई क्या रंग है इस फोन का, एक्रेलिक ग्लास के साथ फोन लॉन्च हुआ है। आगे की तरफ 120Hz का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है, डिस्प्ले भी यार आपको निराश नहीं करने वाला है। प्रोसेसर भी बिल्कुल नया वाला है, MediaTek का Dimensity 7025, ये जो प्रोसेसर है पहली बार इसी फोन में मिल रहा है। अभी तक मैंने जितना भी यूज किया है मेरे आधार पे बहुत बड़ी वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको याद है Moto का G54 5G, उससे तनिक सा अपग्रेड परफॉर्मेंस में तो है। बहुत सारी ऐसी चीज है जो उसी फोन से मैच करती है, जैसे 6000 mAh की बैटरी जो बिंदास या 1.5 दिन चल जाएगी। UI में बहुत सारी इधर उधर वाली एप्लीकेशन नहीं है, लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ फोन लॉन्च हुआ है,
15 तक चला जाएगा, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाएगा। 3 साल का सिक्योरिटी पैच आपको प्रदान किया गया है। कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड वाला भी आपको सेंसर मिल रहा है। OIS के साथ फोन लॉन्च हुआ है। फोटो भी यार आपको अच्छी लगने वाली है। और मोटो वाले म्यूजिक का विशेष ध्यान रखते हैं, इसीलिए मैक्सिमम फोनों में डॉल्बी एटमॉस का फीचर आपको मिल जाता है। बस सॉफ्टवेयर का अपडेट जल्दी जल्दी से आना चाहिए। क्या कहते हैं, मोटो का G64 बाय करें या हम पुराना वाला G54 उठा ले, यदि हमें सस्ते रेट में मिल जाए। यहां पर क्या अच्छा है क्या बुरा है अब आपके सामने है। सेकेंड नंबर में जो डिवाइस है वो है Realme का P1 5G। अभी यार हाल फिलहाल इंडिया में लॉन्च हुआ है। देखिए इस फोन का जो कलर है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। क्या बिल्ड क्वालिटी के साथ फोन लॉन्च हुआ है। जब आप इसे धूप में ले जाएंगे फोन चमकेगा भी, और देखने में फोन बहुत ही गजब का लगता है। कैमरा गोल गोल वाला है, 120Hz का एमोलेड वाला डिस्प्ले आपको मिल जाता है 15,000 रुपए के अंदर। आउटडोर की जो विजिबिलिटी है ये भी यार अच्छी वाली है। बैटरी है 5000 mAh की, 45W का जो चार्जर है वो भी आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। इधर उधर वाली तनिक सी आपको एप्लीकेशन मिलेगी, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन को आप डिसेबल भी कर सकते हैं। यार कुछ दिनों से मैंने ये नोट किया है, इन केस आपको सामने वाले की कॉल को रिकॉर्ड करना है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ओ डायलर डबल स्पीकर के साथ। ये फोन भी लॉन्च हुआ है। प्रोसेसर है MediaTek का Dimensity 7050। भले पुराना वाला प्रोसेसर हो 15,000 रुपए में बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड्रॉइड 14 के साथ आया है, 15 और 16 भी आपको मिल जाएगा। 3 साल का सिक्योरिटी पैच और फोटो के लिए 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेकिन कोई भी अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर नहीं है। फोटो भी आपको निराश नहीं करने वाली है। यदि आपको Realme का फोन लेना है 15,000 रुपए के अंदर, आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। या तो Realme का Narzo 70 भी है, उसका डिजाइन यार अलग है और बहुत सारी चीजें बिल्कुल सेम है। चाहे आप Narzo उठाइए Amazon से, चाहे तो Flipkart से Realme का P1 उठाइए। इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स अब आपके सामने है। नंबर 1 में जो डिवाइस है वो है Samsung का M34 5G। यार 18,000 रुपए के आसपास ये फोन लॉन्च हुआ था, लेकिन अब तो बहुत ही सस्ते रेट में आपको मिल जाता है। सॉफ्टवेयर में इस फोन को आप फेल नहीं कर सकते। एंड्रॉइड 13 के साथ फोन लॉन्च हुआ था, 4 एंड्रॉइड के वर्जन आपको और मिलेंगे। 5 साल का सिक्योरिटी पैच, सॉफ्टवेयर में सबसे कमाल का डिवाइस है सैमसंग का M34 5G। अपडेट के मामले में भी यार सैमसंग वाले किसी से सुस्त नहीं है। बॉक्स के अंदर कोई भी चार्जर नहीं मिलता है और ना ही बैक कवर, अलग से आपको बाय करना पड़ेगा और टेम्पर्ड ग्लास भी लगवाना ही पड़ेगा, ये तो कंफर्म वाली बात है। 6000 mAh की जो बैटरी है ये आपका बिंदास 1.5 दिन चल जाएगी। कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड वाला भी आपको सेंसर मिल रहा है। OIS के साथ फोन लॉन्च हुआ है। फोटो भी यार आपको अच्छी लगने वाली है। इन केस आपको गेमिंग करनी है किसी और फोन की तरफ जाइए, क्योंकि यहां पर जो प्रोसेसर है वो उनके घर वाला है Exynos का 1280। नॉर्मल वाले टास्क करेंगे कोई भी इशू नहीं होगा। 120Hz का एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है। आउटडोर की जो ब्राइटनेस है यह 1000 nits की, लेकिन पंच होल नहीं है, यू शेप वाली नॉच से आपको काम चलाना पड़ेगा। आपको चाहिए नॉन चाइनीज ब्रांड तो मेरे हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी M34 5G अच्छा वाला विकल्प है। यहां पर क्या प्रोज है क्या कौन सा अब आपके सामने। क्या कहते हैं, सैमसंग का ये डिवाइस हम सभी को लेना चाहिए या हमारे पास सैमसंग का ही कोई और बेहतरीन डिवाइस 15,000 रुपए के अंदर है। अब आप बताओ आपको क्या लगता है, इन पांचों में से कौन सा फोन जनता को बाय करना चाहिए। अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है वो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। जाते थे यही कहूंगा, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए चमचमाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।